हमारे पास एक सिस्टम था ही जिसका नाम VCR है, तो आखिर VCR की जगह पे दूसरा सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों आई, यानी VAR सिस्टम बनाने का जरूरत क्यों आया? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम आपको यही कहेंगे कि VCR में एक कंप्रेसर का यूज होता था, और कंप्रेसर से हमें दिक्कत क्या होता था? आपको जानकारी है कि फ्रिज में कंप्रेसर का यूज होता है, तो फ्रिज में कभी कभी आप सब गौर किए होंगे या ध्यान दिए होंगे को, तो कट कट की आवाज आती है। क्या आती है? कट कट, यानी जब कंप्रेसर ऑफ होता है तो उस समय कट की आवाज आएगी। तो कंप्रेसर ऑफ क्यों होगा, इसके लिए भी एक वीडियो हम बनाएंगे, अभी बनाए नहीं है। तो कंप्रेसर कट की आवाज क्यों आती है, जब कंप्रेसर बंद होता है ना, यानी फ्रिज के अगर तापमान ज्यादा नीचे गिर गया है, तो उसके बाद अगर आप फ्रिज को अपने मेन स्विच से ऑफ नहीं करते हैं, तो वो फ्रिज अपने आप ऑफ हो जाती है। तो वही जब ऑफ होता है ना, तो कंप्रेसर ही ऑफ करता है, और कंप्रेसर से आवाज आती है कट, वही सबको कहते हैं ये आवाज क्या आ रही है। तो आवाज कुछ भी नहीं थी, आवाज कुछ भी नहीं होती है, ये कंप्रेसर ऑफ डाउन होता है। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम बताएं, तो कंप्रेसर जो है इस डिवाइस की अपेक्षा कंप्रेसर खर्चीला था, यानी क्या था कि कंप्रेसर ज्यादा रुपये हम लोग से खर्च करवाता था। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर को हमको देना था वर्क, वर्क तो इसको भी देंगे, इस डिवाइस को भी देंगे वर्क, लेकिन कंप्रेसर की अपेक्षा इसको हम कम देंगे। कम क्यों? ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर सपोज कीजिए कि क्या होगा, हम सपोज कीजिएगा अगर हम कंप्रेसर को 24 घंटा में 15 घंटा यूज करते हैं, कितना हावर? 15 हावर अगर हम यूज करते हैं 24 में, तो यह हमारा मान चलिए मिनिमम करें तो 8 यूनिट है, क्या 8 यूनिट उठाएगी बिजली। वहीं अगर हम इसको यूज करें तो इसमें पंप को हमको वर्क देना पड़ता है, तो पंप आपको ज़्यादा नहीं उठाएगी, अगर 24 घंटे में 15 घंटा को आप यूज करते हैं इस डिवाइस को, तो मिनिमम करें तो 1 या 1.5 यूनिट, आप बताइए कितना कम, 1 या 1.5 यूनिट आपको उठाएगी 15 घंटा में। कंप्रेसर 8 यूनिट, तो ये महज 1 या 1.5 यूनिट है, इसे भी कम। तो बात एक सस्ता कौन है आप समझ गए होंगे, तो इसलिए VAR सिस्टम को यूज किया गया। तो हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं, अब आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आखिर VAR को यूज कहाँ किया जाता है, VCR को यूज कहाँ की जाती है। तो VCR को अधिकतर कंपनियों में यूज की जाती है, और VAR सिस्टम जो है उसको यूज अधिकतर आज के डेट में अगर कहें हम तो देहातों में की जाती है। देहातों में अधिकतर किसान भाइयों करते हैं, क्योंकि देहात में बिजली कम रहती है। आज के डेट में भी आप सब सुने होंगे कि बिजली कम रहती है, तो उन सभी को खेती वेती करने में दिक्कत होती है पानी उनी के लिए, तो इसलिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आप कहिएगा ठीक ना, इसे यूज किया जाता है। तो सोच रहे हम चलते अपने मेन टॉपिक के ऊपर, यहाँ तक आपको समझाएं कि किस में क्या होती है, किस में उसमें क्या अंतर थी, इसमें क्या अंतर थी। तो सो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप VCR को आप वॉच कर सकते हैं, वॉच कर लीजिएगा VCR को, VCR को आप वॉच कर लीजिएगा, बेहतर होगा। आप ध्यान दीजिए, आप